नमस्कार, मैं आनंद राणा, आप सभी म्यूजिक लर्नर्स कलाकारों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे अपने इस चैनल पर जिसका नाम है सुरभि स्वर संगम। तो अभी जो आपने बैंजो पर सॉन्ग सुना है और जो सॉन्ग मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ, जो ट्यूटोरियल जिस सॉन्ग का मैं आज लेकर के आया हूँ बैंजो पर, वो दोनों ही सॉन्ग जिनके द्वारा गाया गया है, उनकी आवाज़ और उनके सुर तब तक इस संसार में रहेंगे जब तक ये संसार, जब तक ये कायनात है, तब तक उनका नाम और उनका जो सुर है इस संसार में गुंजायमान रहेगा। और ये जो सॉन्ग अभी बैंजो पर आपने सुना, नाम गुम जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, मेरी आवाज़ मेरी पहचान है, बिल्कुल सही ये जो सॉन्ग है, मुझे लगता है कि उन्हीं के लिए ये सॉन्ग बना ही था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुश्री लता मंगेशकर जी की, जो कि आज हमारे बीच में नहीं है। आज उनकी पुण्यतिथि है तो मैंने सोचा कि आज उनको श्रद्धांजलि स्वरूप मैं आप लोगों को उनके कुछ नायाब सॉन्ग्स से आपको रूबरू कराऊं, और जो एक उसमें से एक जो सॉन्ग है वो मैं आपको सिखाऊं, और एक सॉन्ग मैंने अभी बैंजो पर प्ले किया ही है। तो ज़बरदस्त कंपोजिशन, और हम सभी उनको हमेशा हमेशा याद रखेंगे ही रखेंगे, हमेशा वो हमारे दिल में बसी रहेगी। उनके सुर हम नहीं रहेंगे तो भी उनके सुर विद्यमान रहेंगे, जैसा कि वो गाना सार्थक होता ही है कि नाम गुम जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, मेरी आवाज़ मेरी पहचान है, उनके सुर हमेशा इस कायनात में गुंजायमान रहेंगे। तो आज इस पुण्यतिथि के अवसर पर मैं आपको उनके एक सॉन्ग मैं आपको सिखाने वाला हूँ, वो सॉन्ग हम लोग सीखें। उससे पहले जो लोग पहली बार मेरे वीडियो पर आए हैं, जो पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे लगातार कंटिन्यूस बैंजो के लेसन, बैंजो के ट्यूटोरियल्स इस चैनल के माध्यम से आते रहते हैं, और संगीत से रिलेटेड, चाहे वो लय से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो ताल से रिलेटेड हो, चाहे सुर से रिलेटेड हो, अलग अलग कॉन्सेप्ट म्यूजिक से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूँ। एजुकेशन प्लस इंटरटेनमेंट के कंटेंट लगातार आपको मेरे इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो जो लोग पहली बार मेरे वीडियो पर आए हैं, आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ आप लोग बेल आइकॉन पर क्लिक कर देना ताकि हर एक वीडियो आपको मिलता रहे, और कोई भी वीडियो जो इम्पोर्टेंट म्यूज़िक से रिलेटेड रहेगा वो आप उससे वंचित ना रह पाए। एक इन्फॉर्मेशन खासकर बैंजो प्लेयर्स के लिए, जो घर बैठे बैंजो सीखना चाहते हैं, चाहे आप कहीं पर भी हो इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया में, यदि आप सीखना चाहते हैं घर बैठे बैंजो सीखना चाहते हैं, तो मेरी बैंजो की ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है। लाइव सेशंस मेरे बैंजो के होते हैं, वीडियो कॉलिंग के थ्रू मैं क्लास लेता हूँ। पिछले एक साल से मेरे बैंजो की क्लासेस चल रही है और लगातार स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, सभी लोग सीख रहे हैं। तो यदि आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं और संगीत के सच्चे लवर्स हैं, बैंजो सीखना चाहते हैं, घर बैठे बैंजो की तालीम लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है स्क्रीन पर, ये व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पर ऑनलाइन क्लास से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी करते हुए हम लोग सीखते हैं इस खूबसूरत सॉन्ग की कंपोजिशन, उसका नोटेशन विथ ऑर्नामेंट्स। ओके, तो आइए हम लोग आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं इस सॉन्ग को सीखना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी मैंने तार को, क्योंकि ये जो मैं सॉन्ग आपको सिखा रहा हूँ ये बिल्कुल ओरिजिनल जो स्केल है उसी से मैं आपको बता रहा हूँ, और जो इसका पिच है वो है एफ नोट, ठीक है। तो अभी मैंने इसको एफ बना रखा, मतलब कि जो काली तीन हमारा होता है उससे एक सुर नीचे, ठीक है, सफ़ेद चार जिसको हम लोग बोलते हैं, तो सफ़ेद चार बनाने के लिए हमने अपने तार को सी नोट से मिला रखा है, मतलब कि सफ़ेद एक से मिला करके रखा है, ठीक है। तो खाली तार को सफ़ेद एक से मिलाइए, मतलब कि सी नोट से मिलाइए, तब जा करके आपका ये वाला जो नोट है वो एफ नोट बनेगा। तो यहीं से मैं आपको इस सॉन्ग को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसका जो स्केल है, सारे कोमल का शुद्ध मा पा धा शुद्ध नी कोमल सा सा नी धा पा मा गा रे सा, जो अहिरी भैरव वाला स्केल है वो स्केल जाता है, बट कभी कभी यहाँ पर भैरवी का टच भी है, क्योंकि यहाँ पर धा कोमल और ग कोमल का भी यूज हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से, तो ये मिश्र बोल सकते हैं आप इसको, है ना। स्टार्टिंग जो इसका जो स्थाई है उसको, उसकी जो सरगम है, उसके जो नोटेशन है वो देखिए पहले।
तो स्टार्टिंग जो है होठों पे सी बात में दबा के चली आई, भूल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। इसका जो नोटेशन है वो देखिए, प पे सा का कण आ रहा है, तो एक्चुअल में प मगरे सा ये है, तो प जो बजा रहे हैं वो आप सा के कण के साथ बजाएंगे। प मगरे सा होठों पे ऐसी बात, पामागरे सासा होठों पे ऐसी बात में दा मैं तो रे का कर लेना है, मैं दबा के चली आई, सा सा ने 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 सा सा रे नी कोमल, ठीक है। पामागरे सासा सा ने 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 सा सा रे, देन उसके बाद खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। तो पहली बार में रे पर रुके, दूसरी बार में सा जो आपका मेन नोट है, जो आपका मूल स्वर है। देन उसके बाद हरे हाँ बात जिसमें प्यार तो है जहर भी है, हाँ। तो उसकी सरगम देखिए, मा पधा धा पे जा रहे तो प से कण लेते हुए, तो मा पधा धा, ठीक है, मा पधा हाय रे हाय। तो ये नी धा पा धा नी कोमल पे जा रहे तो ध का कण लेते हुए जा रहे, नी धा पा धा बात जिसमें हा रे हा प्यार तो है, तो बात जिसमें प्यार तो है एक ही नोटेशन है, नी नी धा पा धा नी धा पा धा, ठीक है। जहर भी है पानी धा मामा पानी धा मा, तो पानी धा मा पे जा रहे तो प का कर लेते हो जाना है, मनी धा मामा पानी धा मामा जहर भी है हाय, तो हाय तो धा मा धा पे भी कर्ण मा पे भी कर्ण पाखा, ठीक है। ये पूरी लाइन क्या हुई, एक मिनट, अच्छा मा से ही जाएगा, मनी धा मामा धा मा जहर भी है, ठीक है, मनी धा मामा धा। तो पूरी देखिए एक बार, तो ये तो हो गया इसका स्थाई। ओके, तो अब हम लोग सीखते हैं अंतरा। तो इसका जो अंतरा जो शुरू होता है, एक आलाप है शुरू में, इस प्रकार का एक आलाप है। तो सा
ग कोमल का टच लेना है रे कोमल पे, तार सप्तक में। देन उसके बाद फिर स्टार्टिंग होता है। रात काले नागन से हुए है जवान, हाय इसकी सरगम देखिए। तो रात काले नागन से तो धा धा सा 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 सा, लास्ट वाले सापे खटका है रे के साथ धा धा सा। वो जब पहली बार सा पर जा रहे हैं तो आपको निका कर लेते हुए जाना, तो धा धा सा 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 सा, रात काले नागन से हुई है जवा, तो हुई है जवा धा धा सा 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 धा धा सा सा सा, लेकिन कर्ण लेते हुए। धा पे गए तो निका कर्ण, सा पे आए तो निका कर्ण धा धा सा सा सा, हुई है जवा। ये पूरी सरगम होगी इस लाइन की। रात काले नागन से हुई है जवा। देन उसके बाद म्यूजिक भी है और उसमें आलाप भी है थोड़ा सा। वही सागर सानी दादा निपा, ठीक है। देन उसके बाद हाय दैया किसको डसवा ये सामान, धा 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 सा धा 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 सा पा पा मा गा मा पा 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 मा गा पा 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 मा गा पा पा पा, लेकिन पा पे आ रहे हैं तो कर लेते हुए आना, ठीक है मा का। धा 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 आए दैया किसको धा 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 सा दसे गाये समा पा मा गा पा पा पा। तो यहाँ पे एक हरकत है, हाय इतनी फास्ट हरकत तो मेरे गले से नहीं अभी आ पा रही है, लेकिन मैं आपको उसके सरगम बताता हूँ। धा पा मा गा मा पा धा, लेकिन बहुत जल्दी है एक ही स्ट्रोक में। धा पा मा गा धापा मा गा मा पा धा, हाय दैया किसको डस गाये समा, ठीक है। दर उसके बाद जो देखो पीछे मुड़ के धा कोमल पापा पा धा, दो देखो पापा धा 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 पे जा रहे तो पा का कर लेते हुए पापा धा मामा पापा, जो देखूं पीछे मुड़के तो पग में पायल तड़पे पापा पा पा धा मामा पापा पापा धा मामा पापा। दिन उसके आगे आगे चलो तो हाँ। आगे चलो तो धड़कती है सारी अंगनाई, आगे चलो तो पापा मामा पा, आगे चलो तो धड़कती है पधा पनी धापा पनी, नी पे जा रहे तो पा कर लेते हैं पनी धापा, आगे चलो तो धड़कती है धड़कती है पनी धापा, मगरे सा सा मगरे रे सा सारी अंगनाई, मगरे सा सा रे सा सा है सॉरी मगरे सा सा सारी अंगनाई,
आगे चलूं तो धड़कती है सारी अंगना, पापा मामा पापा नीदा पामा गरे रे सा सा सॉरी। ठीक है तो बस उसके बाद फिर वही स्थाई। तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट होता है हमारा स्थाई और अंतरा इस सॉन्ग का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ट्यूटोरियल है वो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो ज़रूर आप लोग लाइक करेगा, शेयर करिएगा। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं जिनको पसंद आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है कई सारे लोग वीडियोस देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है आप लोगों के लिए नया नया कंटेंट लाने के लिए। ठीक है तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें। और इसी प्रकार के और वीडियोज़ यदि चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके भेज सकते हैं। जो भी आप जानना चाहते हैं मुझसे संगीत के बारे में, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा कि आगे भी इसी तरीके से लगातार कंटिन्यूस निरंतर आप लोगों के लिए मैं वीडियोस लेकर के आता रहूँ। थैंक यू सो मच।